नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है बताओ, प्राइस ऑफ करेंट ईयर और बताओ इनटू आउटपुट, आउटपुट कौन सा ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर। ये फॉर्मूला अभी हमने करा है। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी दो कारणों से बढ़ता है, बताओ कारण वन कौन है, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज या प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, ठीक है। और रियल जीडीपी कब बढ़ता है, सब प्रोडक्शन, प्राइस तो चेंज ही नहीं होता कभी, बेस ईयर वाला इनटू आउटपुट, आउटपुट करंट ईयर। इसका मतलब रियल जीडीपी को प्राइस से तो कोई लेना देना नहीं है, आउटपुट से लेना देना है। तो रियल जीडीपी सिर्फ आउटपुट बढ़ने पे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम पढ़ो रियल कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले रियल पढ़ो, बताओ 6%। तो इसका मतलब रियल 6% बढ़ रहा है, कभी बढ़ता नहीं, तो आउटपुट कितना बढ़ रहा है इसका, 6%। पहली हिंट, आउटपुट बढ़ा है 6%। नोट कर ली सबने यहां तक की हिंट? यस सर। अब नॉमिनल कितना बढ़ा है, नॉमिनल इंक्रीज 14%। इसको ग्रीन कलर से इस्तेमाल कर लेता हूं मैं यहां, 14, जिसमें से प्राइस इंक्रीज तो मुझे पता नहीं, पर आउटपुट इंक्रीज पता है कितना है, 6%। तो रिमेनिंग कितने जंप चाहिए जो नॉमिनल, 8%। बिल्कुल सही आंसर है, 14-6। यही क्वेश्चन ने मांगा है, व्हाट हैज कॉज्ड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड इंक्रीजिंग प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस। लिख लो आंसर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कितना परसेंट, 8%। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का खत्म। यस सर। सबने जिसने नहीं किया था अगर, चलो अब अभी क्वेश्चन का एक पार्ट और है। ये बताओ अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं पॉपुलेशन 100 थी, पेन 200 थे, पॉपुलेशन डबल हो गई, पेन भी डबल हो गई, पर पर्सन कोई बेनिफिट हुआ, कोई जंप आई? नो सर। क्यों, पहले भी पर्सन कितने पेन थे सर, 200 पेन, 1 पेन पर पर्सन, सर पर पर्सन दो है ना, हाँ पर पर्सन दो थे, और बाद में भी कितने हैं, दो, पर पर्सन बेनिफिट सेम, ऐसा क्यों हुआ, पेन तो बड़े हैं सर, बट इक्वल प्रोपोर्शन से बड़े हैं, हाँ पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो पर पर्सन बेनिफिट कब होता, अगर पेन की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी या फिर अगर सिर्फ वो बढ़ेगी, हाँ तो ऐसे ही ये तो मैंने बड़ा सिंपल करके बताया, हम पिछले क्वेश्चन को देख लिया, आउटपुट कितना बढ़ा है इस क्वेश्चन में, आउटपुट 6% और पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, ये देखो 2%, येलो ब्लू कलर लेते हैं, अभी नहीं करा ब्लू, फोर पॉपुलेशन बढ़ गई 2, आउटपुट बढ़ा है 6, तो पर पर्सन फायदा होगा या नहीं होगा बताओ सर, होगा, होगा, तो पर पर्सन बेनिफिट होगा, आउटपुट तो बढ़ गया 6%, पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ी 2%, तो पर पर्सन बेनिफिट आ गया 4%, तो लिखो आंसर 4%। अगर पॉपुलेशन बढ़ती 6%, प्रोडक्शन बढ़ती 6%, बताओ पर पर्सन बेनिफिट होता कोई नहीं सर, सेम रहता, तो कोई बेनिफिट ना होता।